मेरा नाम प्रीति साहू है, पति मेरा नाम प्रीति साहू है, पति स्वर्गीय दीपक कुमार साहू, धर्मनगर रायपुर पचपेड़ी नाका छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम प्रीति साहू, पति स्वर्गीय दीपक कुमार साहू, धर्म नगर रायपुर पचपेड़ी नाका छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा भैया आवदराम साहू छत्तीसगढ़ शासन पुलिस में सब इंस्पेक्टर में कार्यरत है, जिसका मोबाइल नंबर ये है। 10 मई 2024 को डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए हम उसको लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको कैंसर हो गया है। मेरा भैया श्री अवधराम साहू जो छत्तीसगढ़ शासन पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, उसका मोबाइल नंबर ये है। हम उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि उसको कैंसर हो गया है और कैंसर भी सेकंड स्टेज का हुआ है। इसका लीवर पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है, शुगर के कारण 61 वर्ष है तो उम्र भी होने के कारण बस बड़ा मुश्किल है इसको बचाना। गुरुदेव हम दिखाकर आए और लीवर के ऐसा लगा कि इसका लीवर बेकार हो गया, डॉक्टर ने कहा, और थोड़ी देर बाद इसको खून की उल्टी होने लगी। खून की उल्टी होने लगी, सबको लगा कि इसका लीवर फट गया, खाना पीना बंद कर दिया था, पेट में और सीने में जलन होने लगी थी और सब परेशान हो गए। डॉक्टरों ने हमको बॉम्बे ले जाने का बोल दिया, डॉक्टर ने हमको बॉम्बे ले जाने का बोला। हम बॉम्बे ले जाने की तैयारी कर दी है, परंतु किसी ने सलाह दी कि आप एक काम करो, एक बार सीहोर जाओ और वहां से रुद्राक्ष लेकर आओ। गुरुदेव हम सीहोर गए, मुंबई जाने से पहले हम सीहोर पहुंच गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। कुबेरेश्वर धाम का दर्शन किया, रुद्राक्ष लिया और उसको गलाकर पानी में डुबोकर 20 मई 2024 को हमने उसको रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ किया। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर बोले इसका लीवर नहीं फटा है, इसके पेट में अल्सर हो गया था, छाला जो फट गया जिसके कारण खून निकल रहा। और डॉक्टर ने जब जांच करना प्रारंभ करी, हम रुद्राक्ष के जल को अमृत के तुल्य मानते हैं गुरुदेव, वो सीहोर का रुद्राक्ष नहीं वो अमृत है, उसका पानी पिया और जांच कराई तो आज मेरा भाई कैंसर के रोग से मुक्त हुआ और मेरे भाई को लेकर मैं यहां आई, यहां मेरा भाई भी आया। कहीं बैठे हो प्रीति साहू, पति स्वर्गीय दीपक कुमार साहू, धर्मनगर रायपुर पचपेड़ी नाका, मेरे भैया अवधराम साहू छत्तीसगढ़ शासन पुलिस में है सब इंस्पेक्टर, अगर कहीं बैठे हो। आए हैं बेटा, आ जाओ जाओ, आज मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक है, मैं बाबा को धन्यवाद देने। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। एक संघर्ष समय आता है, उससे निकल। ऐसा नहीं कि दुख पूरी जिंदगी रहता है,
थोड़ा अगर भगवान का भजन का बल बढ़ाओगे दुख समाप्त हो जाए, दुख समाप्त। थोड़ा सा भजन का बल बढ़ा, दुख मिटे। माता पार्वती जी ने अपने तन के उपतन से एक पुतले का निर्माण करा, उसमें प्राण दिया, उसका नाम विनायक हुआ। द्वार पर बिठाए गए और भगवान शिव ने शीश काटा तो गणेश, बच्चे के बड़े पिताजी हैं जिनको कैंसर हो गया था अब ठीक है, और इनके भाई शिव कृपा हो। कभी जीवन में अगर योग लगे, मौका लगे तो शंकर की कथा को सुनो और अपने जीवन में धारण करो। धन्य है छत्तीसगढ़ की भूमि,